हेलो एवरीवन अभी एक अपडेट है और अपडेट को आप खुशखबरी के टाइप पे ले सकते हैं क्योंकि जो ये वैकेंसी आने वाली है रेलवे की जितनी सारी इसका इंटरनल प्रोसेस चालू हो चुका है और ये कोई न्यूज नहीं है बस ये ऑफिशियल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ने जो मांगी है किससे सारे आर आर से अपना वैकेंसी मांगी है जो आपके पास कितना वैकेंट पोस्ट है आगामी दो साल के लिए उसके रिगार्डिंग एक नोटिस है तो इसको देखेंगे इसमें क्या होता है ना जब कोई वैकेंसी आती है ना तो उससे पहले सारा वैकेंट पोस्ट मांगा जाता है दो साल तक आपको कितना पोस्ट चाहिए ठीक है तो वही मांगना शुरू कर दिया गया है और मांगना शुरू कर दिया गया है, मतलब अब वैकेंसी आने का चांस मतलब दो से तीन महीना में आप समझ लीजिए जो ये आ जाएगा ठीक है ये पहला स्टेप होता है तो ये देखेंगे इस नोटिस को देखेंगे पहले कौन सी आरआरबी ने कितने क्या मांगे हैं क्या नोटिस है इसको प्रॉपर पहले देखते हैं आइए सबसे पहले भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है और ये साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये क्या क्या है नोटिस इसको मांगा गया है यहाँ पे, अब देखिए यहां चलिए नोटिस पे चलिए देखिए अब देखिए क्या है अब यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए पहले सब्जेक्ट जो है ये है एंटीसिपेटेड वैकेंसी ठीक है मतलब एंटीसिपेटेड वैकेंसी मतलब कितना वैकेंसी आगामी जो है वो खाली होने वाला है या मतलब खाली हो चुका है और आपके जोन में कितना वैकेंसी की जरूरत है ठीक है इसका मतलब ये हुआ देखिए इट इज टू द द डिटेल ऑफ ऑफ एंटीसिपेटेड वैकेंसी द सुपरवाइजर एस आरटीशियन एंड असिस्टेंट कैटेगरी स्टाफ फॉर द पीरियड ऑफ टू ईयर तेईस और चौबीस टू दिस दिस ऑफिस इमीडिएटली ठीक है अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है एंटीसिपेटेड वैकेंसी किसका सुपरवाइजर का और आरटीसियन एंड असिस्टेंट कैटेगरी सुपरवाइजर में आपका ये जेई .E. वाले आ जाएंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले हो जाएंगे जूनियर इंजीनियर वाले आ जाएंगे और ये आरटीसियन और असिस्टेंट कैटेगरी में आपको असिस्टेंट मतलब एल होता है लोको पायलट का तो वैकेंसी नहीं आता ना तो असिस्टेंट वाला में असिस्टेंट लोको पायलट हो जाएंगे टेक्नीशियन हो जाएंगे और और सारे इसमें इवेंट ग्रुप डी का भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी जो आया था अठारह बाई अठारह वाला उसके बाद नहीं आया ठीक है ना तो इसको आप कंप्लीट मान लें जो आपका जेई जेई से लेके और सारा क्या आए, मतलब ए एल टेक्नीशियन और ग्रुप डी सारा इंक्लूड इसमें मान लें ठीक है तो ये सारा वैकेंसी और पीडियर ऑफ दौर मतलब ये तेईस और चौबीस तक उनको जितना वैकेंसी चाहिए उतना के लिए ये मांग लिया गया है और देख लीजिए यहाँ पे ये इमीडिएटली मांगा गया है मतलब इसको चाहिए चाहिए क्योंकि प्रेशर बहुत सारा बढ़ गया है मतलब पर डे मतलब मान लो एक बार क्वेश्चन उठ जाता है गवर्नमेंट पे रेलवे बेक की वैकेंसी कब आने वाली है ठीक है तो इसको ध्यान रखते हुए इसने अपना इंटरनल प्रोसेस चालू कर दिया है ठीक अब अब ये बात ये बात ये तय हो चुका है जो वैकेंसी आनी ही आनी है और ये पहला एक जोन मांगा है सारा जोन मांगना शुरू कर देगा उसको छोड़िए पहला एक स्टार्ट होने के बाद वो सारा डुकता नहीं है मतलब सत्रह जितने जोन है सारे कर लेंगे ठीक है तो ये एक न्यूज आप प्रॉपर इसको आप प्रॉपर मानिए क्योंकि ये ऑफिशियल है ठीक है ऑफिशियल को आपको प्रॉपर मानना ही पड़ेगा अब अब ये ये मत कोई बोलना जब टी टी वाला वैकेंसी का नहीं मांगा गया इसमें ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है प्रॉपर पोस्ट तो वो उसके क्रम में ही ले लिया जाएगा मतलब तेईस चौबीस में जितना पोस्ट जो जो डिपार्टमेंट को चाहिए वो अपना क्या करेगा फील करके भेज देगा हमको इतना चाहिए उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसके बाद वो फाइनलाइज करके एज ए रिक्रूटमेंट के तौर पर क्या करती है वैकेंसी निकाल देती है तो वहाँ पर निकल जाएगा ठीक है एन का अभी अभी पहला ये जो फेज आएगा ये फेज आएगा आपका जेई और एलपी वाला का फेज ठीक है उसके बाद एन और इसमें ग्रुप डी भी इंक्लूड रहेंगे जैसे पहले भी आया था उसके बाद एन का मतलब इसका निकलने के बाद जस्ट वो निकाल सकता है मगर इसका कंफर्मेशन अभी नहीं है ये पहले है जरूरी जो एल पी वाला और ग्रुप डी वाला भी इसमें ग्रुप डी वाला भी ठीक है आ ऐड कर सकता है तो ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा और ये ऑफिशियल है ठीक है इसमें कोई कयास वाला बात है नहीं ठीक इसमें कोई मतलब ये नहीं लगा रहे जो मतलब आएगा वाला टाइप टै, फोन टाइप वाला तो बात नहीं है ना जो ओरिजिनल है वही ऑथेंटिक चीज मैंने बताया है और इस पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ये नोटिस बना के ये नहीं डाला है यहां पे ठीक है चलिए तो अभी इसको आप सही से मान सकते हैं और ये एक एक मोटिवेशन के तौर पर आप लीजिए पढ़ाई को प्रॉपर कंटिन्यू कीजिए ठीक है ना जब पढ़ाई आपका हो और एक बार जब वैकेंसी आ जाएगी तो टाइम नहीं देगा इस बात को मैं बोल बोल पहले से भी रहा हूँ आज भी बोल रहा हूं आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए और ऐसे ऐसे न्यूज को आप एड ए मोटिवेशन लीजिए जो वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है ठीक है थैंक यू वेरी मच